नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। पटना के गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार सरकार के द्वारा कोरोना का जांच शिविर लगाया गया, जिसके तहत आज पत्रकारों को निःशुल्क कोरोना का इंजेक्शन दिया गया। आपको बता दें कि इंजेक्शन लेने वालों में पटना के कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे। वहीं पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाने के लिए पटना के पत्रकारों में काफी उत्साह भी देखा गया। पटना के पत्रकारों ने इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद पटना DPRO प्रमोद कुमार ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि आज देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी सरकार ने कोविड-19 महामारी से सुरक्षित रखने का मन बनाया है, और इसके तहत आज निःशुल्क पटना के पत्रकारों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार मदन कुमार ने भी कोविड-19 का इंजेक्शन लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज हर किसी को यह इंजेक्शन लेना अनिवार्य है, और यह हम पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज सरकार द्वारा निःशुल्क इंजेक्शन का इंतजाम किया गया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं कि वह यहां आए और कोविड-19 का इंजेक्शन जरूर लें। मीडिया कर्मियों को टीकाकरण लगाया जा रहा है, क्या है पूरा बताइए। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। यह सवेरे 10 बजे से शुरू हुआ है और अभी 4 बजे देख रहे हैं कि 90 जो मीडिया कर्मी हैं वो लगा चुके हैं, टीका ले चुके हैं। और इसके लिए यहाँ पर 4 टीमें का गठन किया गया था और 2 निबंधन के लिए टीम गठित हुई थी, और आज चला। अब फिर सोमवार को पुनः फिर यह कार्य चलेगा। लोग आधार कार्ड लेकर के आ रहे हैं और प्रेस प्रमाण पत्र और निबंधन करा करके यहाँ पर आसानी से, सुगम तरीके से, सहज रूप में लोग टीकाकृत हो रहे हैं। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये माने लक्ष्य है यह कि जिला प्रशासन का कि 100% जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें टीकाकरण से आच्छादित किया जाए, और इस अभियान के तहत इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जारी रहेगा। पटना जिले के अंतर्गत सुदूर क्षेत्र के भी पत्रकार हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था रहेगी? जी जी, उनके लिए भी। आज किसी प्रकार कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है। अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मैं DPRO पटना प्रमोद कुमार। आप वैक्सीनेशन लगवाए, आप वैक्सीनेशन लगवाने के दौरान क्या कुछ व्यवस्था करा गया था? नहीं, व्यवस्था तो बहुत यहाँ अच्छा है। जी जी, अच्छा है। और वैक्सीनेशन मतलब यहाँ कैसे लग रहा है, मतलब क्या प्रक्रिया है? नहीं, ये तो मीडिया कर्मियों के लिए है, मीडिया कर्मियों के लिए एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे काउंटर है। तो मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड और आई कार्ड लेकर देख के वैक्सीनेशन। भीड़ भी नहीं है। जी जी, भीड़ भी नहीं है। भीड़ भी नहीं। और वैक्सीनेशन आपने लगवा लिया? हाँ, लगवा लिया। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपको क्या राय दिया गया, और मतलब कैसा, मतलब आपको मतलब महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ किसी तरह का कोई दिक्कत? जो हेल्थ वर्कर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है, खास करके जो मैडम जो ये वैक्सीन है वो काफ़ी हेल्पफुल है। उन्होंने बताया कि आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है वैक्सीनेशन लगाने के बाद। हाँ, उसके बाद जो और जो प्रक्रिया का, अगर बुखार उखार आएगा तो आप ही रहिएगा, जो नॉर्मल चीज़ें सबको बता रही है। तो मतलब वैक्सीनेशन लगने के बाद वैक्सीनेट